नमस्कार है पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि 29 अक्टूबर यानी कि कल के दिन एसएससी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब आपका एसएससी सीजीएल का चाहे एग्जाम हो और चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, वो अब उसकी जो टाइपिंग है वो आपकी ऑनलाइन मोड में होगी। पहले क्या होता था कि आपको हार्ड कॉपी मिलती थी, उसे देख के आपको टाइप करना होता था और उसका आपका प्रिंट आउट निकाला जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं, उसके बाद आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे उसके बारे में आप जान लीजिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जो आपका ऑनलाइन बेसिस पे आपका जो एग्जाम होगा, जो टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन होने जा रहा है, इससे क्या क्या चेंजेस आएंगे, कट ऑफ में कितना चेंजेस आएगा, स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी है, क्या अब जो ऑफलाइन आप टाइपिंग कर रहे थे उसका फायदा मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा, तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आगे का प्लान क्या है उसके बारे में कंप्लीट तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। वीडियो में आप पूरी तरीके से बने रहिए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस देख लेते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि इसका हेडिंग दिया हुआ है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018 एंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2018, यानी कि इन दोनों एग्जाम की जो टाइपिंग है उसके रिगार्डिंग आपका यह नोटिस आया है। तो इसमें लिखा हुआ है द स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट एंड डेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट आपका जो है फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2018 इज शेड्यूल्ड ऑन 26/11/2020। और फिर आगे दिया हुआ है कि सिमिलरली स्किल टेस्ट फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 इज शेड्यूल्ड ऑन 18/12/2020 एंड 19/12/2020। फिर इसमें आगे क्या लिखा हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। कंटेक्स्ट कैंडिडेट्स में नोट, मतलब इन बातों का कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है, द प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट। इससे पहले जब आपको हार्ड कॉपी दी जाती थी टाइपिंग के लिए तो आपका प्रिंट आउट निकलवाया जाता था, लेकिन अब आपका प्रिंट आउट नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो टाइपिंग है वो सॉफ्टवेयर पे ही होगा और सॉफ्टवेयर अपने आप उस चीज को ले लेगा, मतलब रोल नंबर आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे तो उसके हिसाब से आपका जिस तरीके से पेपर सबमिट होता है वैसे आपका टाइपिंग जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके लिए आपको टेस्ट निकलवाने, जो उसका प्रिंट आउट निकालते थे वो अब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बी पॉइंट में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट डेस्ट आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब जब आप इंग्लिश का ऑप्शन चुनेंगे तो एक आता है यूनाइटेड स्टेट्स और एक यूनाइटेड किंगडम आता है, तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आपको यूनाइटेड स्टेट्स चुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट में अ डेमो वीडियो फॉर द सेट टाइपिंग टेस्ट हैज बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो जब आप एसएससी की साइट पे जाएंगे तो ये डेमो वीडियो जो है वो आपको दिया हुआ है। तो अब यहां से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या मोड होगा, टाइपिंग का मोड क्या होगा। तो आपका जो टाइपिंग है बेटा, अब पहले क्या होता था कि आपका ऑफलाइन टाइपिंग होता था, मतलब हार्ड कॉपी पे आप टाइप करते थे, आपको एक वर्ड पे मान लेते हैं वर्ड पे टाइप कराते हैं और आपको हार्ड कॉपी का कंटेंट दिया जाता था, उसको देख के आपको टाइप करना होता था और फिर उसी का प्रिंट आउट आपका निकाल दिया जाता था। तो ये मामला था आपका इससे पहले, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से चीजें बहुत ज्यादा डिफर हुई है, अब आपको हर एक, मतलब जो भी आपका बड़ा शहर है वहां पे आपको सेंटर बनाए जा रहे हैं। पहले आपका जहां पे रीजनल आपके ऑफिस बने होते थे एसएससी के, वहीं पे आपका टाइपिंग होता था, लेकिन इस बार ढेर सारे सेंटर बनाए जा रहे हैं, एक ही दिन आपका टाइपिंग कराया जा रहा है, तो उस वजह से जो हार्ड कॉपी कंटेंट है वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपका टाइपिंग कराया जाएगा और कहीं ना कहीं ये गुड स्टेप है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका ऑनलाइन मोड में वर्क करेगा, मतलब वो ऑनलाइन होगा जब आप टाइप करेंगे, मतलब वो नेट से कनेक्टेड होगा, तो जब टाइप करेंगे तो पूरा वो उससे कंज्यूम कर लेगा कि आपने कितना टाइप किया और कितना आपने गलत किया, वो सारी चीजें उसमें से होंगी। अब क्या पैटर्न होगा, क्या चीजें होंगी, वो आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बार अब आपका जो टाइपिंग है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं दो फैक्टर सामने निकल के आते हैं। देखिए 50% चांस है कि कट ऑफ आपकी कम जा सकती है और 50% चांस है कि कट ऑफ आपकी ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि आप कोई चीज जब नई अपडेट होती है तो उसमें क्या है कि कई बच्चों को दिक्कत भी होती है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ऑफलाइन में आपके
ज्यादा मतलब उन्हें मजा आता है करने में, तो उनकी स्पीड ज्यादा होती है तो उन्हें इसमें फायदा मिलेगा। और ज्यादातर ये देखा गया है कि ऑनलाइन टाइपिंग में भी बच्चों की स्पीड बहुत अच्छी आती है, तो इससे क्या है, जब नंबर आप स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाई करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है वो आपकी हायर जाने के चांसेस है। उसके अलावा क्या, जैसे आपने अभी तक जो है ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी कंटेंट से आपने प्रैक्टिस की है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरा, कट ऑफ आपकी कितनी वेरी कर सकती है, मतलब एक नंबर ऑफ सीरीज वीडियोस जो हैं वो एक छोटे छोटे टॉपिक पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है ताकि मैं ये बातें आपको बता सकूं कि ये जो दायरे हैं वो आपके चेंज होंगे और पूरी हमारी स्ट्रेटजी अब क्या होगी, किस तरीके से हमें टाइपिंग करना है। जो हमने अभी कंटेंट परचेज कर लिया, जो भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक उसे परचेज नहीं किया है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उसे परचेज कर सकते हैं और उसका आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो जो कंटेंट आप टाइप करेंगे उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप टाइपिंग करेंगे और पूरा डिटेल में, मतलब स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा और इस पर लगभग सीरीज ऑफ वीडियो बनेंगे। तो वो वीडियो आपको लगातार अब 10 से 15 दिन में मैं लगातार आपको डेली जो है 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन, एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे अभी ऑफलाइन मतलब हार्ड कॉपी से टाइप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें हार्ड कॉपी से प्रैक्टिस छोड़ देनी है या जो मैटर परचेज कर चुके हैं उनका नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और बात को मैं ऐसे समझाना चाहता हूं आपको कि ऑनलाइन जब आपका एग्जाम होता है तो क्या आप सारी प्रैक्टिस ऑनलाइन करते हैं? ऐसा नहीं है, जितना आपका ऑफलाइन पे पकड़ ज्यादा अच्छी होगी उतना ही आप बेटर ऑनलाइन में करके आते, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन आपका एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो बच्चे ऑफलाइन में अच्छे होंगे वही कहीं ना कहीं ऑनलाइन में बहुत अच्छा वर्क करने वाले हैं, तो इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और ऐसा नहीं है कि जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको वैसे ही करना है, क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीजें वन बाय वन मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और ये तो है कि आपका जो कट ऑफ है वो 50% चांस है आपका कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तमाम जो भी टॉपिक आपके दिमाग में आ रहे हैं आप कमेंट करिए, मैं हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आज मुझे ये नोटिस के बारे में आपको इन्फॉर्म करना था कि ये नोटिस जो आया है उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होगा और उस पर हम आपको क्या क्या देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग था। ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको बताए इन पे आपको लगातार जो है वो इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी और आपका छोटा सा छोटा जो डाउट है वो आपका क्लियर किया जाएगा। जो बच्चे मेरी टाइपिंग बुक को परचेज कर चुके हैं, मेरे टाइपिंग मटेरियल को परचेज कर चुके हैं, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर सकते हैं। कैसे परचेज करेंगे? 6307185699 ये नंबर है, इस पे आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मैटर परचेज कर लिया है आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर आपका हाथ थामा है तो अंत तक मैं आपको साथ दूंगा, अंत तक मैं आपका साथ देने वाला हूं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो उम्मीद है कि आज जो मैंने नोटिस आपको बताया और इसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट उठते हैं और उन पे क्या क्या हम किस तरीके से काम करने वाले हैं वो सारी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और भी बच्चों तक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, शेयर नहीं किया तो दबा के शेयर करिए।